हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम जुलाई 19 से लेकर जुलाई 25 तक, यानि कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उनके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो देखिए, यहाँ पे साप्ताहिक के अभी तक जितने भी हम लोगों ने एपिसोड किए हैं, सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन रेलवेज ने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, टोटल 8 स्टेट्स है, इनके जो कैपिटल को जो है रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। तो ये कौन से साल तक जोड़ा जाएगा? तो ये इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, उन्होंने मेंशन किया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो 8 राज्यों के जो कैपिटल्स है उनको जोड़ा जाएगा रेलवे नेटवर्क से 2023 तक। तो इसका सही उत्तर है 2023। तो यहाँ पे देखिए कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के जो कैपिटल है उनको ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, और यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के जो काम है ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। और यहाँ पे मणिपुर, मेघालय और सिक्किम के जो कैपिटल है उनको 2022 तक जोड़ा जाएगा, और मिजोरम और नागालैंड के जो कैपिटल को जोड़ा जाएगा 2023 तक। तो टोटल जितने भी कैपिटल्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया ने रिसेंटली बायलेटरल एग्रीमेंट जो है एयर बबल, तो ये कौन से कंट्री के साथ ये एयर बबल एग्रीमेंट ये साइन किया है? तो ये कंट्री है फ्रांस, जर्मनी और यूएसए। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे देखिए, जो यूनियन एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे एयर फ्रांस जो है फ्रांस की एयरलाइन से यहाँ पे ये ऑपरेट करेगी इंडिया, जर्मनी और यूएस के लिए। यूएस के जो एयरलाइंस है यूनाइटेड एयरलाइंस, तो यहाँ पे 18 फ्लाइट्स जो है जुलाई 17 से लेकर जुलाई 31 तक यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे, इन 3 डेस्टिनेशन पे यहाँ पे कवर करेगी। देन अगर बात करेंगे जो यहाँ पे फ्रांस की जो यहाँ पे जर्मनी की जो एयरलाइंस है, यहाँ पे 28 फ्लाइट जो है लुफ्थांसा, तो यहाँ पे 18 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक यहाँ पे जो पैसेंजर्स है यहाँ पे उनको ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे एयर बबल क्या होती है? एक बायलेटरल एग्रीमेंट होती है जिसके हिसाब से सेट ऑफ रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से यहाँ पे पैसेंजर्स को एक जगह से एक दूसरे जगह पे लिया जाएगा, बिकॉज ऑफ COVID-19 के जो पेंडेमिक है इसके वजह से। कौन से राज्य ने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 को अनाउंस किया था? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी इसको अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो पावर जनरेट होगी तो उसको भारत के अलग अलग राज्यों में भी सेल किया जाएगा, और ये पॉलिसी जो है 5 साल के लिए पहले इंप्लीमेंट किए जाएंगे। भारत ने कौन से कंट्री के साथ फिटनेस इक्विपमेंट 61 आइलैंड्स के साथ यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट नहीं, हैंड ओवर किया है? तो ये कंट्री जो है मालदीव्स। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो किया है एक कैश ग्रांट एग्रीमेंट है लगभग $8 million का। तो यहाँ पे टोटल फिटनेस इक्विपमेंट जो है ये फॉर्मली हैंडेड ओवर किया गया था इंडियन हाई कमिश्नर जो मालदीव्स के लिए है, संजय सुधीर को। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ग्रांट असिस्टेंट भी दिया है जो फहेंदू गोईधू स्टूडेंट फेरी, ये मालदीव्स के लिए एक स्टूडेंट फेरी भी स्टार्ट किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। भारत के इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंसमेंट दिया है कि पोस्टल बैलेट के जो रूल्स है ये वोटर्स के लिए कौन से एज तक जो है रेस्ट्रिक्शंस रखा जाएगा। तो यहाँ पे पोस्टल बैलेट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति अगर ये वहाँ पे वो काफ़ी एज हो चुकी है और अगर वोट देना है तो थ्रू पोस्टल बैलेट भी ये वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले एज रेस्ट्रिक्शंस रखा था 65 एंड एबो, अभी इसको जो और भी एक्सटेंड कर दिया है 80
तो इसका सही उत्तर है 80, यानी कि जिन व्यक्ति की एज जो 80 इयर्स की ज्यादा होगी सिर्फ उन लोग ही जो है पोस्टल बैलेट के रूल्स उन लोग के ऊपर एप्लीकेबल हो गया, और उन लोग के साथ जो भी व्यक्ति डिसेबल हो या फिर उन लोग को अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हो या फिर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से अगर उनकी प्रॉब्लम्स हो तो उन लोग को भी ये रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो ये स्पेशली जो है बिहार के इलेक्शन में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 के जो रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में 273 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, यानी कि लगभग 27 करोड़ 30 लाख लोग जो है यहाँ पे उनको बाहर निकाला है पॉवर्टी की जो रेंज में। तो ये जो लिमिट रखा गया था 2005-06 से लेके 2015-16 यानी कि पिछले 10 सालों में। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल 2020 और 2021 के हिसाब से। तो इसमें भारत को कौन से कैटेगोरी पे रखा गया है, तो ये देखिए ये कैटेगोरी जो वर्ल्ड बैंक ने किया है तो ये बेसिस ऑन जो ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि भारत के अंदर जितनी इनकम होती है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अगर व्यक्ति यूएस से इंडिया में आके अगर इनकम करेगा तो वो भी ग्रॉस नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो यहाँ पे पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के हिसाब से इसको कैटेगराइज किए जाते हैं, और ये जो रिपोर्ट किया गया था 2218 कंट्रीज के ऊपर किया गया था। तो यहाँ पे देखे जो कैटेगरीज है लो इनकम लोअर मिडिल इनकम, तो भारत को यहाँ पे जो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है। तो लोअर मिडिल इनकम के हर व्यक्ति के जो सालाना आय मिनिमम जो होती है यहाँ पे $1,036 मिनिमम, और मैक्सिमम जो होती है 4,045। तो इन एन एवरेज हर इंडियन की जो पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पे हर साल का टोटल इतनी रेंज में होती है। और यहाँ पे 50 कंट्री जो है यहाँ पे लोअर मिडिल इनकम में आती है, 83 कंट्रीज जो है यहाँ पे हायर इनकम कंट्रीज में आती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा ऑस्ट्रिया ऐसे कंट्रीज हायर इनकम में आती है। इनमें से किन को नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 से नवाजा गया है, तो दो व्यक्ति को यहाँ पे नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 से अवार्ड मिला है। तो इसका सही उत्तर है मारियाना वार्दी नोयानिस ये और मोरिसाना कोयवाते। तो मारियाना वर्दी नोयानिस ये व्यक्ति जो है ये ग्रीस से बिलोंग करता है, और मोरिसाना कोयवाते ये जो गिनी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक्चुअली अनाउंसमेंट दिया है जो फॉर्मर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे ने। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने नेल्सन मंडेला प्राइज जो एक्चुअली 2014 में इनिशिएट किया था, और हर 5 साल में ये प्राइज दिया जाएगा। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये जो है वोल्कान बोज़किर। तो वोल्कान बोज़किर जो है ये टर्की के डिप्लोमेट है, नए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। और रिसेंटली याद रखिएगा कि टी पुरुषोत्तमन इनको जगजीवन राव इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। भारत ने कौन से देश में पहला ओवरसीज ऑयल स्टॉकपाइल ये क्रिएट करना है, तो यहां पे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है डैन ब्रोलोइट, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इंडिया और यूएस के बीच में 2019-20 में टोटल 9.2 बिलियन यूएस डॉलर का हाइड्रोकार्बन की ट्रेड हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थी। तो ये पहली बार हो रहा है कि भारत अपना एक जो ऑयल की जो रिजर्व यूएस में इसको क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे बिकॉज यूएस में ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई है, और यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑयल की स्टॉक पाइल भी काफी ज्यादा हो गई है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया जो यहाँ पे रिसेंटली प्लानिंग करी है कि 2021 में भारत में पहला सोलर डेकाथॉन कॉम्पिटिशन जो है आयोजित किया जाएगा। कौन से मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप उसको लॉन्च किया है, तो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो यहाँ पे पीएम स्ट्रीट इसका तो फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो इसको वर्चुअली लॉन्च किया है दुर्गा शंकर मिश्रा ने,
जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो यहाँ पे ये एक पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर्स को। भारतीय रेलवेज ने कौन से साल तक पहला सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन जो है उसको ट्रैक पे उतारेगी? तो यहाँ पे इंडियन रेलवे यहाँ पे मेंशन किया है कि 2027 तक टोटल 151 प्राइवेट ट्रेन जो है उतारी जाएगी, टोटल 109 रूट्स पे। तो इसको जो शुरुआत किया जाएगा 2023 से, तो इसका सही उत्तर है 2023। तो देखिए यहाँ पे 2022-23 में पहला सेट जो है 12 ट्रेन को उतारा जाएगा पहले साल में, देन पीछे उसके नेक्स्ट ईयर में टोटल 45 ट्रेन को उतारा जाएगा, उसके बाद जो है 50 ट्रेन को प्राइवेट ट्रेन को उतारा जाएगा, उसके बाद 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में 44 ट्रेन को उतारे जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टोटल ये प्लानिंग किया है कि लगभग 30,000 करोड़ की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी ड्राइवर होगी या फिर गार्ड होगी ट्रेन की वो इंडियन रेलवेज की ही होंगी। तो इसका सही उत्तर है 2023। कौन से राज्य ने ड्रोन्स यूज किया है ताकि पावर लाइंस और ट्रांसमिशन टावर को इंस्पेक्ट किया जा सके? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। तो इसको एक्चुअली स्टार्ट किया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एरियल सर्विलेंस। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन और पावर लाइंस को। तो महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसमें ड्रोन के जरिए यहाँ पे एरियल सर्विलेंस किया जाएगा। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है 8 MOU साइन किया है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ। टोटल इसकी जो लागत होगी 10,399 करोड़, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जी ने जोराम मेगा फूड पार्क, ये भारत के कौन से राज्य में इसको इनोग्रेट किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोराम मेगा फूड पार्क, तो इसको इनोग्रेट किया गया मिजोरम में। तो ये लॉन्च किया गया वर्चुअली, एक्चुअली ये जो है मिजोरम के जो कमरांग विलेज है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में, उसको वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, और इसमें ये जो जोराम मेगा फूड मिजोरम के टोटल 55 एकड़ में इसको स्टार्ट किया गया, और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 75.20 करोड़ होगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 88 प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज द्वारा सैंक्शन किया गया है, और उनमें से 41 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। कौन से राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना जो ट्रांसजेंडर है उनको इंक्लूड किया है इसमें? मधु बाबू पेंशन योजना ये जो रिलेटेड है उड़ीसा के साथ। तो यहां पे देखिए ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट विथ पेंशन विथ डिसेबिलिटीज, यहाँ पे जो है ये मधुबाबू पेंशन योजना स्टार्ट किया गया था 2008 में। तो इसमें जो है ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया, जो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट में भारत की रैंकिंग है 15। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा। तो 2019 में भारत में टोटल 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की जो इंडस्ट्री सेलिंग हुई थी, और इसमें इंडिया की ग्रोथ अगर बात करेंगे 2018 के मुकाबले लगभग 12.1% ज्यादा हुई थी। और इसमें टॉप रैंकिंग पे है यूएसए, दूसरे रैंकिंग पे चाइना, उसके बाद साउथ कोरिया और जर्मनी। तो भारत का रैंकिंग है यहाँ पे 15। कौन सा पहला अरब नेशन है जिसने मार्स में एक स्पेस मिशन रिसेंटली लॉन्च किया है? तो ये अरब नेशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये मिशन को जो जाना जाता है हॉप प्रोब मिशन के हिसाब से भी जाना जाता है, तो इसको लॉन्च किया गया तंगासीमा स्पेस सेंटर जो जापान में है, और इसको जो है AI अमल और या फिर जो एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका टोटल कॉस्ट होगा 200 मिलियन US डॉलर। तो ये जो मिशन है मार्शियन जो क्लाइमेट है या फिर उनके जो सीजनल साइकल्स को स्टडी करने के लिए यूएई भेज रही है। इनमें से कौन से खिलाड़ी ने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता है? एक फॉर्मूला वन कंपटीशन है, तो इसको जीता है लुईस हैमिल्टन। तो ये एक ब्रिटिश खिलाड़ी है जो मर्सिडीज ब्रांड की गाड़ी को यहां पर ड्राइव करते हैं, और ये जो है इनका 8वां हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स है, और इसके साथ यहां पर उन्होंने माइकल शूमाकर को इक्वल कर लिया है।
तंगम्स, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप्स है, तो कौन से स्टेट के साथ ये रिलेटेड है? तो तंगम्स ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है प्रेमा खांडू ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है द तंगम्स इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड एटलास के हिसाब से तंगम लैंग्वेज एक बहुत ही एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। तो तंगम लैंग्वेज ये जो है एक ओरल लैंग्वेज, यानी कि इसकी कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती है, ओरल लैंग्वेज होती है जो बेसिकली टानी ग्रुप नाम की एक जो एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, उन लोग यूज करते हैं। ये अंदर टिबेटो बर्मो लैंग्वेज फैमिली से आती है ये जो लैंग्वेज है टंगम। तो ये जो कम्युनिटी है ये अरुणाचल प्रदेश के कुगिंग विलेज में रहती है जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। तो टोटल देखिए यहाँ पर सिर्फ 253 लोग ही है इस गांव में जो तंगम लैंग्वेज उनको यूज करते हैं, नहीं तो तंगम लैंग्वेज यूज करने वाला दुनिया में और कोई भी लोग नहीं, सिर्फ 253 लोग ही ये तंगम लैंग्वेज को यूज करते हैं। रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जो टर्टल्स यानी कि कछुए के कंजर्वेशन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो कछुए के कंजर्वेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है कुर्मा। तो कुर्मा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है कछुआ। तो ये ऐप जो लॉन्च किया है एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, तो ये ऐप जो है एज ए यूनिक टूल के हिसाब से काम करेगी जो इंडियन टर्टल्स या फिर टॉर्टोइज जो है उनकी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए, और इसको डेवलप किया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इसको कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इनोग्रेट किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको इनोग्रेट किया गया था दिल्ली में। तो इसको इनोग्रेट किया गया था जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह के द्वारा। तो दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में इसको इनोग्रेट किया गया। तो यहाँ पे ये जो प्लाजा है इसमें अलग अलग यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है जो भी अलग अलग गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। तो इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ऑपरेट करती है। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली मनोदर्पण इनिशिएटिव, तो मनोदर्पण इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है? तो मनोदर्पण इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। तो रिसेंटली जो यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये क्या करेगी, ये साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर है, पेरेंट्स है, या फिर उनकी जो भी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेगी। मनोदर्पण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है युवा इनिशिएटिव, युवा इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है ताकि 1 करोड़ भारतीय वॉलेंटियर्स को मोबिलाइज किया जा सके? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने यूनिसेफ का यहाँ पे मल्टी स्टेकहोल्डर प्लेटफॉर्म में यहाँ पे पार्टनरशिप किया है ताकि टोटल 1 करोड़ युवा वॉलेंटियर्स को इंडिया में यहाँ पे जो है उनको इंक्लूड किया जा सके। तो यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के गोल के तहत उनको यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए प्लानिंग की गई है। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जोनल मास्टर प्लान इसके अप्रूवल दे दिया है। तो ये कौन से इको सेंसिटिव जोन में इसको लागू किया जाएगा? तो ये जोनल मास्टर प्लान इंक्लूड किया गया है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए। तो भागीरथी जैसे कि जानते हैं आप जो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से भागीरथी नदी आती है और यहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलके यहाँ से ही गंगा की शुरुआत होती है। तो ये पॉइंट जो है इसको देवप्रयाग बोला जाता है, डेफिनेटली आपको इसको पता होगा। तो ये जो एरिया है इसको इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको अप्रूवल दिया है, इसको एक्चुअली प्रिपेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा और इसको अप्राइजल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट एरिया की जो इकोलॉजिकल और कंजर्वेशन को यहां पे सपोर्ट करती है, और यहां पे देखिए ये मेन जो बूस्ट करेगी जो चार धाम प्रोजेक्ट है गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने रिसेंटली स्टार्ट किया था। और यहां पे रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक 440 मीटर का चंबा टनल भी उत्तराखंड में स्टार्ट किया था उसका काम। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां पे एंडेमिक और थ्रेटन फ्लोरास के लिए कंजर्वेशन रिपोर्ट भी स्टार्ट किए गए थे। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत।
कौन से स्टेट्स के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है समाधान से विकास, ये एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है फॉर रिकवरी ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज। तो ये स्टेट जो है हरियाणा। तो यहाँ पे देखिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है पेंडिंग ड्यूज जो है अलग अलग उसको सेटलमेंट करने के लिए ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये देखिए सेंट्रल में 2000 जो 20 का जो बजट मेंशन किया था 2020-21 का, तो वहां पे विवाद से विश्वास स्कीम भी लॉन्च किया था। तो इसी मॉडल से इसको स्टार्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हरियाणा के जो गुड़गांव और फरीदाबाद एरियाज में काफी सारे बिल्डर्स हैं, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज देने हैं ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसको जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है समाधान से विकास स्कीम हरियाणा। कौन से पीएसयू ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव उसके साथ पार्टनरशिप किया है जिसका नाम है रेज। तो यहाँ पे रेज का फुल फॉर्म है रेट्रोफिट फॉर एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी। तो ये पीएसयू जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो इसको लॉन्च किया है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आरके सिंह के द्वारा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेस के थ्रू जो भी बैड क्वालिटी एयर है उसको एलिविएट करना और गुड क्वालिटी एयर जो है अलग अलग एरियाज में उसको इंप्लीमेंट करना, हेल्दी एयर जो होता है उसको इंप्लीमेंट करना। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने, राज्यसभा के जो सचिव ने रिसेंटली एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम इसको लॉन्च किया है। तो ये किन के नाम पे जो स्टार्ट किया गया है, तो ये जो एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम स्टार्ट किया गया है अरुण जेटली जी के नाम पे। तो यहाँ पे राज्यसभा सेक्रेटरी ने इसको लॉन्च किया जिसका नाम होगा अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉइज। तो ये एक एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम होगी। कौन से राज्य ने वन स्टॉप शॉप ये स्कीम को अप्रूव कर दिया है, तो वन स्टॉप शॉप ये स्कीम अप्रूव हुआ है राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इसको पहले जाना जाता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अभी इसको जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है COVID-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स में है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए उसको स्टार्ट किया गया है राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSR कैंपेन लॉन्च किया है कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ रिसेंटली। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे CSR कैंपेन, इसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। तो यहाँ पे COVID-19 की जो स्प्रेड है उसको यहाँ पे रोका जाएगा और जो भी व्यक्ति है यहाँ पे उनको मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए जाएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री ने CBDT यानी कि सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया है फॉर डेटा शेयरिंग। तो यहाँ पे जो भी डेटाज है रिलेटेड टू टैक्स रिटर्न्स या फिर जो भी, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के साथ यहाँ पे डेटा शेयर करेगी। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे CBDT इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे इन दोनों जो है ये CBDT और CBIC ये दोनों ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज किया है, एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। तो ये कौन से देश के साथ किया था, तो पैसेज एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने रिसेंटली किया था USA के साथ। तो ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, और UK के साथ हम लोग जो नेवल एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है कोंकन, सिंगापुर के साथ हम लोग करते हैं सिम्बेक्स, ओमान के साथ हम करते हैं नशीम अल बहार। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन किया है कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, ताकि 1512 माइन प्लो ये इंडियन आर्मी का बैटल टैंक है T-90 उसको यहां पे प्रोक्योरमेंट किया जा सके। तो ये PSU जो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक्चुअली बूस्ट करने के लिए ये प्लानिंग किया गया था। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसके जो चेयरमैन है भारत के प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उनके जो यहाँ पे चेयरमैनशिप में ये साइन किया गया है। टोटल इसमें 557 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ये साइन किया गया है। तो इसमें टोटल 1512 माइन प्लाग ये जो है इंडियन आर्मी के जो बैटल हैं T-90 के लिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे। अनासिस 2 ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है कौन से देश का,
तो अनासिस 2 ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इनफैक्ट साउथ कोरिया का। तो अनासिस का फुल फॉर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको लॉन्च किया गया है, साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, तो इसको डिप्लॉय किया गया है रिसेंटली जो जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है, तो इसको जो है फैल्कॉन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लेके गया था कैरियर के द्वारा, जिसको डेवलप किया है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एलोन मस्क की कंपनी है, तो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है यूएस में। भारत और कौन से देश का कस्टम यूनियन, उन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव साइन किया है जिसका नाम है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक्चुअली ये देश नहीं है, एक रीजन है साउदर्न अफ्रीका, तो यहाँ साउथ अफ्रीका नहीं, साउदर्न अफ्रीका होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है वर्चुअल मीटिंग भारत और साउदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के साथ हुई थी। तो साउदर्न अफ्रीका यहाँ पे इस एरिया में कुछ 5 कंट्रीज यहाँ पे शामिल है, साउथ कोरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्तवानी। तो यहाँ पे साउदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के जो हेडक्वार्टर है विंडहुक, जो नामीबिया में है। और रिसेंटली हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने साउथ अफ्रीका में टोटल 20 मैट्रिक टन DDT भेजा है ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, जिसका फुल फॉर्म है ITUC, तो उनके हिसाब से जो ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 के रिपोर्ट है, इसके हिसाब से भारत जो है 10वीं वर्स्ट कंट्री है फॉर वर्किंग पीपल। कौन से देश ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक EPC एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत झीलम नदी पे 700 मेगावाट का आजाद पल्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे? तो ये जो है चाइना, सही उत्तर है चाइना। तो ईपीसी का फुल फॉर्म है इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक चाइना की जो कंपनी है जिसका नाम है गैस होबा कंपनी, तो गैस होबा कंपनी के साथ ये MOU साइन किया है। तो यहाँ पे 700 मेगावाट का आदाद पट्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किए जाएंगे झीलम नदी के ऊपर, जो सुधनोती डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी ने कि जो कैबिनेट ने एक डिलीवरी स्कीम जो है उसको अप्रूव कर दिया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसको अप्रूव कर दिया है दिल्ली की कैबिनेट ने। तो यहाँ पे दिल्ली की कैबिनेट ने यहाँ पे इसको जो है एक्चुअली अप्रूव तो कर दिया है, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसी दिन जिस दिन वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली। भारत ने कौन से कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है ताकि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यूनिट उसको एस्टैब्लिश किया जा सके? तो ये जो है भारत ने मालदीव्स के साथ किया गया है। तो मालदीव्स के साथ भारत काफी यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं दोनों देशों के बीच के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है जो इंडिया गवर्नमेंट ने मालदीव्स के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद इब्राहिम सोलेह। कौन से राज्य ने एक MOU साइन किया है अमूल के साथ ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको एंकरेज किया जा सके ताकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनके कोऑपरेटिव्स को बढ़ाया जा सके? तो ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश। तो ये साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमूल के साथ। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU साइन किया है IIT रोपर के साथ ताकि चंडीगढ़ में स्किल डेवलपमेंट भी स्टार्ट किए जा सके। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर काउंट भी किया होगा तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एडिशनली जो सेम रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ अगर मिलाएंगे तो ये 50 तक पहुंच जाएगी। और टोटल इसमें अगर डिटेल्स अगर आप लोगों ने काउंट किया होगा तो मोर देन 400 डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों ने एडिशनली डिस्कस किया है हर खबर के साथ यहाँ पे। लेकिन फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते थे, जो हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स डिस्कस करते रहते हैं वो आप फॉलो करती रहेगा। डे टू डे करंट अफेयर्स भी वहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे रह जाती है वहाँ पे फॉलो कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो है पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स है, और इसका जो नोट है आपको इसका जो PDF है हम लोग के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, जो आपके रिवीजन के लिए भी बहुत काम आएगी। और हमारे प्लेलिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा इस हफ्ते का करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म हुआ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।